बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप। और मैं गई थी भागवत सुनने, वहां से लौट के आई, इसके बाद जो छोटे मोटे काम थे वो देखा, और सबसे जरूरी था ना, 3 घंटे वहां बैठने के बाद एकदम थकान हो जाती है, लगता है कि बस अब थोड़ी देर जाके लेट जाओ, क्योंकि शाम को 6 बज गए और 6 बजे तो कोई ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप आराम कर लो, बैठ जाओ, लेट जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अभी तो ये आटा बना के रखा है ना पराठे बनाने के लिए, क्योंकि ये सर्दी के सीजन में मेरे बच्चों को अलग अलग टेस्ट के पराठे खाने का बहुत मन करता है, और ज्यादातर वो शाम को ये चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। तो या तो मैं इसके साथ पनीर भुजिया बनाऊंगी, और या तो इसके साथ आलू टमाटर मटर की रसीली सब्जी बनाऊंगी, हल्के रसे वाली। अब वो डिपेंड करता है मेरे बच्चों पर जो वो खाएंगे, क्योंकि जो इस तरीके के आलू पराठे होते हैं ना, मैं अधिकतर पराठों में मूली, गाजर, भथुआ और गोभी, बंद गोभी, अदरक, लहसुन, मिर्च, नमक, प्याज, ये सारी चीजें डालती हूँ। कई कई बार ना सोयाबीन की भी बड़ी ना फुला करके फिर आटे के साथ भून के बनाते हो, और इस तरीके के पराठे ना इतने टेस्टफुल होते हैं कि अगर आपका बच्चा 2 खाता होगा ना तो 3 डेफिनेटली खा लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ ये चीजें होती हैं। और तब तक मैं पी लेती हूँ 1 कप चाय, क्योंकि मुझे चाय पीने के बाद ना एकदम एनर्जी आती है मेरे शरीर में, मुझे लगता नहीं अब बिल्कुल हाथ पैर सर दर्द सारा थकान दूर हो गया। तो बढ़िया सी बनाई मैंने अपने लिए अदरक वाली चाय, और अब मैं बढ़िया से चाय पीऊंगी। चाय पीते पीते आटा सेट हो जाएगा, फिर खाना बनाती हूँ। आज भागवत में पंडित जी ने ना नरसिंह अवतार की कथा सुनाई थी, आज बनाते हैं नए नए तरीके के पराठे। तो मैं ये बनाती हूँ वेज पराठा, जिसमें मैंने आलू और गोभी, अदरक, हरा मिर्च, मटर और प्याज लिया हुआ, लहसुन नहीं ली हुई है। तो अब इन सब चीज़ों को मैं इस मिक्सी के बड़े वाले जार में डालूंगी और फिर इन्हें बढ़िया से पीस लूंगी। चलिए मैं ये सब कुछ गया, कोई बात नहीं, अब इसको मैं पीसूंगी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, एकदम बारीक है ना, इतना बढ़िया पिसा हुआ है। और अब मैं इसको मिलाती हूँ आटे में। ये लिया मैंने आटा, और इस पे ये जो मसाला है ना, ये सारा मसाला डाला मैंने ये। अब इसमें सब कुछ है, मटर भी है, आलू भी है, गोभी भी है, टमाटर और सॉरी प्याज भी है, और हरा मिर्च भी है, बस नमक नहीं डाला है, तो थोड़ा सा नमक भी मिला देती हूँ। ये नमक वही हरा वाला पिसा हुआ, और इससे पानी नहीं मैं मिलाऊंगी, ऐसे ही इसी में धीरे धीरे करके गूंथूंगी, ताकि ये पानी मिलने से ना थोड़ा सा जैसे पंचुटा जैसा स्वाद आ जाता है ना। जब आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे ना, तो आपके बच्चे हर मौसम में पराठे खाना पसंद करेंगे। नहीं, कई बार होता है ना कि आलू पराठा है कुछ भी ऐसे, तो गर्मियों में नहीं मन करता, केवल सर्दियों में ही खाने का मन करता है। लेकिन इस विधि का पराठा आपका ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, जब आप बनाएंगे तब खाएंगे, और टेस्ट ना एकदम मज़ेदार आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा ढक के रख दूंगी, ताकि ये सेट हो जाए 1/2 घंटे के लिए। आटे की कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये बन गई आलू टमाटर की सब्जी। तो अब मैं जाऊंगी अपने ठाकुर जी का भोग लगाने। तो अब मेरे ठाकुर जी भोग लगा। अरे भाजी, अब पंगो और भाजी आप क्या नहीं, आजी नहीं खत्म हो जाएगी। हम तो 2 बार बनाते हैं। सही में हमारे यहाँ भाजी 2 बार बनती है, पाव भर भाजी। I'm
भागवत सुन के आते हो ना तो दोनों एकदम परेशान हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि बस मम्मी मतलब 2 बजे निकल के गई तो अब शाम को 6 बजे तक आएंगे, तो ये 3-4 घंटे का बीच का गैपिंग है, ये कैसे रहेंगे, क्योंकि बच्चों की आदत नहीं है अकेले रहने की। तो अब मैं ठाकुर जी को भोग लगा के आई हूँ, ठाकुर जी मेरे भोग ग्रहण करेंगे, इसके बाद हम तीनों बैठ के खाना खाएंगे। और चूंकि मैं इस समय बहुत थक जाती हूँ तो मुझे ना गैस नहीं बंद की, मैं इस समय टहलने नहीं जाती हूँ, इनको दोनों की इच्छा होती है तो ये अपना चले जाते हैं। पराठे बन के रेडी हो गए और अब हम लोग खाना भी खाएंगे जाके, भगवान का भोग तो लग गया। बेटा चले आ जा, इनसे वो जो भैया शर्ट नहीं पहने ऐसे भैया खुला होके पढ़ाई करोगे, कितनी गलत बात है। सर्दी लग जाएगी तो उतरते और चढ़ते की सर्दी बहुत लगती है, सर्दी खत्म होने में और सर्दी शुरू होने के टाइम पे सर्दियाँ बहुत लग जाती हैं। हैं स्वेटर दूँ दीदी, इसका कपड़ा दो, ये भी ना इसको बहुत गर्मी लगती है, मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ हो, थोड़ा सा मतलब ठंडी आज कम है तो ना केवल टी शर्ट पहन के क्लास में पढ़ा रहेंगे। और मैं कहती हूँ कि जब भी सर्दी का सीजन खत्म होता है ना उस समय सर्दी उसी समय सर्दी लगती है। बेटा टहले जा रहे हो ना? Yes. चलो मैं भी चलती हूँ 2-4 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। अकेला बहुत है ना, ये वाला मार्केट नहीं चल रही ना, जलती नहीं है कभी। अब तो लोग कुछ होती थी गड़बड़ हो गई, हवा लग रही है ना, कौन सर्दी लग रही है ना, इतने में ही ना थोड़ी देर तक ऐसे टहल लेंगे। वैसे पता है मुत्तिदूर मंदिर पैदल चल के जाते आते ना तो टहलने की जरूरत नहीं है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मन करता है कि चलो टहल लेते। ठीक है आप मत टहलिए, तुम लोग को कंपनी कौन देगा। बनाया अपने लिए और अब मैं इसको पी लूंगी और इसके बाद चुपचाप सो जाऊंगी।